अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं चिकन बर्रा। चिकन बर्रा बनाने के लिए हमारे पास 1 किलो चिकन है। हमने बड़े बड़े पीसेस लिए हैं। चिकन बर्रा ज़्यादातर आपने शादियों में, वो भी पाकिस्तानी उस साइड, खाया जाता है, लेकिन अच्छा और टेस्टी होता है, इसलिए हर जगह पसंद ही किया जाता है। तो ये हमारे पास थोड़े से मसाले हैं, हम इसके अंदर मसाले डालते जाएंगे, आपको दिखाते जाएंगे, दो काम एक साथ हो जाएंगे, हम आपको बताते भी जाएंगे और इसमें डालते भी जाएंगे। तो ये हमारे पास 1 किलो का चिकन है। हमने इस तरीके के बड़े बड़े पीस लिए हैं और हमने इसमें ये कट्स लगा दिए हैं ताकि इसके अंदर मसाला आसानी से चला जाए और पूरी तरह अच्छे से पक पाए, क्योंकि ये थोड़ी कम टाइमिंग के लिए पकता है और चिकन हम पूरा गला हुआ खाते हैं, तो इसलिए ये कट्स लगाए जाते हैं। तो ये देखें, हम इसके अंदर 1 टीस्पून नमक डाल रहे हैं, या फिर जायके के मुताबिक कह सकते हैं। हमने छोटे 2 नींबू का रस लिया है, आप इसमें वाइट विनेगर भी ऐड कर सकते हैं। गरम मसाला इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, हमने 1 टीस्पून गरम मसाला लिया है, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट है, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट है, 2 चुटकी हम इसके अंदर ब्लैक पेपर डालेंगे, सिर्फ 2 चुटकी के करीब। फूड कलर डालेंगे, ना डालना चाहें तो आप ना डालेंगे, ये सिर्फ कलर के लिए है, इसका जायके से कोई ताल्लुक नहीं है। 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर डालेंगे, ये तीखी कम होती है, इसको कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी कहते हैं। 1/2 टीस्पून नॉर्मल रेड चिली पाउडर डालेंगे और ये हमारे पास 125 ग्राम दही है, हम इसमें से 1/2 दही इसके अंदर डाल देंगे। इसके अलावा हमें बटर चाहिए, थोड़ा सा बटर हम इसके मैरिनेशन में भी डालेंगे, इससे इसका जायका अच्छा हो जाएगा। हमने सॉल्टेड लिया है, हमारा होममेड है बटर, एक बड़ी प्याज ली है, उसको तल के निकाल लिया है, हमने ये 4 ग्रीन चिली ली हैं, मिर्च हमने कई तरीके की डाली हैं, ये जो प्याज हमने फ्राई की है ये सब को बैलेंस कर लेगी, क्योंकि इसका टेस्ट तल के और ज़्यादा मीठा हो जाता है। तो हमने ये रेड जो फ्रिज में पड़ी हुई थी वो भी ले लिया, आपके पास खरीदे ग्रीन हो तो वो भी चलेगी। हम इसको ग्राइंडर में डाल देते हैं, छोटे से एक जार में। हम इसके साथ 1 मुट्ठी हरा धनिया भी डालेंगे, ये गया हरा धनिया इसके अंदर, जो हमने दही बचाया था वो दही हम इसमें ऐड कर देंगे। टोटल आपको 125 ग्राम लेनी है दही, हम इसको ब्लेंड कर लेंगे और ये मसाला भी हम इसमें शामिल कर देंगे। हमारे तमाम मसाले इसके अंदर चले गए हैं, हम इसको अच्छे से पहले इसको ब्लेंड कर लेते हैं, इसमें मिलाते हैं, फिर हम अच्छे से इसको मिला लेंगे। 1 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे। हमें कोयला भी चाहिए इसको स्मोकी बनाने के लिए और इसको धुनगारने के लिए। तो सबसे पहले हम अपना हरी मिर्च, हरा धनिया, हमने ये पीस लिया है, हमने थोड़ा सा दरदरा सा ही पीसा है, क्योंकि ये दरदरा सा इसके साथ अच्छा रहेगा। फटाफट मिलाते हैं हाथ से, फिर छोड़ देते हैं हम इसको कम से कम 1/2 घंटे या फिर 1 घंटे के लिए। हमारे चिकन को 1/2 घंटा हो गया है रखा हुआ, हम इसको फटाफट पकाने की तैयारी करते हैं। आप देखेंगे इसमें मसाला थोड़ा ज़्यादा ही होता है। ये देखें, हमने एक पैन चढ़ा दिया है, हमने उसमें बटर डाल दिया है, थोड़ा सा ही बटर डाला है, जिस तरफ से चिकन में मीट ज़्यादा होता है उधर की तरफ से हम ये इसको अच्छे से चेक करके रखेंगे, क्योंकि हमारे सभी पीस ज़्यादा बड़े बड़े हैं, ये मीट इधर से ज़्यादा है, और ये भी हम इसी में रख देते हैं। हमारा मीडियम फ्लेम है, हम इसको ढक के एक साइड से पकने देते हैं कम से कम 5 मिनट, ध्यान रखेंगे लेकिन पलटेंगे हम इसको 5 से 6 मिनट। चिकन जैसा हमने डाला था बीच में हमने देखा था और इसके फ्लेम को स्लो किया था, अब हम इसको पलट देते हैं, ऐसा कलर या फिर ये इस तरीके के मार्क्स आने के बाद हम इसको पलट देते हैं।
इससे बड़ा फ्राई पैन हमारे पास था भी नहीं, और इसको सिर्फ पलटना ही पड़ता है बहुत देर तक। हम ये देखें, उधर भी ज़्यादा मॉइस्चर था। स्लो फ्लेम पे हम फिर से इसको ढक देते हैं 5 से 6 मिनट। ये देखें दूसरी बार पलटने में, अभी इसको 5 से 6 मिनट नहीं हुई हैं, मसाला बीच में से लगने लगा है। इस वक्त हम इसमें ऐड करते हैं 50 मिलीलीटर पानी। सिर्फ पैन में डालेंगे, अपने चिकन के पीसीस पर नहीं डालेंगे कि मसाला ना हट जाए। अब इसका स्लो फ्लेम पे पानी खुशक हो जाने तक इसको पकने देते हैं। इसको 6 मिनट से 7 से 8 मिनट भी लग सकती हैं, पूरा पानी खुशक हो जाने तक हम इसको पकाएंगे। इससे ये बहुत अच्छे से गल जाएगा। कभी कभी ग्रेवी ज़्यादा होती है तो पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इसके मसाले और ग्रेवी कम थी तो इसमें पानी की। चिकन को 6 से 7 मिनट हो गए हैं। हमने इसको कई दफ़ा ये मसाले जो हैं यूले के इसके ऊपर लगाया है, और इस वक्त हम अपने फ्लेम को कर देते हैं फटाफट से बंद, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा ही रहता है, खुशक सा ही रहता है। हम क्या करते हैं, इसकी यूँ साइड में जगह बनाते हैं। हम इसी के अंदर एक कटोरी रखेंगे, और इसी बीच हमने एक कोयला भी दहका लिया है, ये आप देख सकते हैं। गैस पर रख के बिल्कुल इस तरीके का रेड दहका हुआ होना चाहिए, कोयले में अपना धुआं नहीं होना चाहिए। लकड़ी का जो धुआं होता है वो कड़वा होता है। ये देखें, हमने 2 लौंग और इलायची ली है। लौंग और इलायची को हमने हल्का सा इस तरीके से क्रश कर दिया है। ये हम कोयले के ऊपर डाल देंगे, और इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा ये बटर। आप घी भी डाल सकते हैं, बटर में मॉइस्चर ज़्यादा होता है तो धुआं ज़्यादा बनेगा। फटाफट हम इसको ढक देते हैं अच्छे से कवर। कोई भी बर्तन हो आपके पास, धुआं अंदर ही होना चाहिए। ये बहुत अच्छा इसका टेस्ट हो जाएगा, एकदम स्मोकी हो जाएगा। इतने फटाफट से बना लेते हैं हम चपाती, सलाद और चटनी। दिखाते हैं आपको, इसको 7 से 8 या 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसकी ये कटोरी निकाल देते हैं, अभी भी इसमें से भाप उठ रही है। फ़ौरन से करते हैं इसको डिश आउट, और इसमें से यकीन जानिए जब आप बनाएंगे आपको खुद एहसास होगा कि इतनी बेहतरीन खुशबू, जैसा कि कबाब जो होते हैं कोयलों में जो सिकते हैं, जब आप वहाँ से गुजरते होंगे तो बड़ी अच्छी से खुशबू आती है। बिल्कुल वो खुशबू इस वक्त ये इस डिश में से आ रही है, कबाब या टिक्का सिकने की। तो ये देखें, इस तरीके से निकालते हैं इसको, और जो हमारा बटर है वो भी हम इसके ऊपर ही डाल देते हैं। मिर्च या बटर या नमक अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं, बशर्ते कि आप बनाएं ज़रूर। ये देखें हमारी सनराइज चटनी है, ये आप ज़रूर ट्राई करें सनराइज चटनी। ये आप बनाने लगेंगे तो आप इसके भी आदि हो जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ 10 सेकंड में ही, सिर्फ चटनी पाउडर डालो और पानी डालो। हमने इसके अंदर आधा नींबू का रस भी डाला हुआ है। तो ये इस तरीके से बना लें, और ये हमारा चिकन बर्रा बिल्कुल तैयार है। ये खुशक ही होता है, चिकन खाने का मन है, चिकन फ्राई भी खाने का मन नहीं है, तो ये इस तरीके के चिकन ज़्यादा तब खाए जाते हैं। ये 2 जने भी इसको चट कर जाएंगे। तो ये देखें इस तरीके से बनाएं, ज़रूर बनाएं। अल्लाह हाफिज़।